इलाके के कॉलोनी वासियों ने प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली। मथुरा में बिरला मंदिर पर कॉलोनी वासियों ने चित्रगुप्त वेलफेयर सोसाइटी द्वारा एकजुट होकर अयोध्या में रामचंद्र जी के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर मथुरा में राम नाम की गूंज सुनाई दी। जगह जगह जैसे ही राम के नारे देखने को मिले, वहीं बिरला मंदिर पर कुछ कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें बिरला मंदिर निवासी व चित्रगुप्त वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से हवन प्रसादी और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए गए। सभी कॉलोनी वासी और समिति द्वारा रामलला के अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के चलते पूरे दमखम के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। अंकुश वर्मा, मथुरा, समाचार 24। जय श्री राम। क्या नाम है आपका? प्रियंका अग्रवाल। आज जो ये कार्यक्रम किया गया, किस संबंध में किया गया? राम जी के, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष में हम सब से बाला वासी यहाँ रैली निकालने के लिए आए हैं और एक ही नारा, एक ही नारा, जय श्री। आज जो कार्यक्रम किया गया, किस उपलक्ष में किया गया? ये रामचंद्र जी के मंदिर के उद्घाटन के उपलक्ष में किया गया है। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो हमारा वहाँ पर कार्यक्रम मना रहे हैं अयोध्या जी में, श्री रामचंद्र जी के, उनके उपलक्ष में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। उन्हीं की खुशी में ये खीर आज बंटवाई गई है आनंद नगर कॉलोनी से हमारी पूरी टीम ने। कौन सी जगह है ये? बिरला मंदिर। मथुरा। कितने लोगों का कार्यक्रम है सारा ये? 15 लोगों का, करीब 15 लोग हैं हम। क्या क्या कार्यक्रम किया गया है? रामायण भैया है, 24 घंटे की रामायण हुई है, कथा हुई है, हवन हुआ है, उसके अलावा ये प्रसाद बटा गया है और खीर का प्रसाद चल रहा है। मेरा नाम आराधना कुलश्रेष्ठ है। आज जो कार्यक्रम किया, किस सोसाइटी द्वारा किया जा रहा है? ये हमारी चित्रगुप्त वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा हमारा प्रोग्राम किया जा रहा है और ये हमारे जो राम मंदिर बना है उसकी खुशी में, उसके प्राण प्रतिष्ठा की खुशी में हम लोग यहाँ बूंदी प्रसाद वितरण कर रहे हैं। कहाँ पे है, कौन सी जगह है ये? बिरला मंदिर धर्म मंदिर है, जहाँ पर कि हम लोग 51 किलो बूंदी का प्रसाद वितरण करेंगे और हमारे भक्तगण इस प्रसाद को लेकर जरूर इस राम राज्य की कल्पना को साकार करेंगे। क्या कार्यक्रम अब किया जाएगा इसके बाद? इसके अभी इससे पहले हम लोग सुंदरकांड दीपदान कार्यक्रम है और उसके बाद भी अभी हमारा सुंदरकांड का आयोजन है कान्हा हाइट में। क्या नाम आपको? श्रेया। आज राम जी का स्थापना दिवस क्या कहोगे? बहुत अच्छा लग रहा है, इतने महीनों के बाद, इतने सालों के बाद ये आया है, 500 सालों के बाद ये दिन देखने को मिला है। जय श्री राम। आप अयोध्या गए थे क्या? नहीं। क्या नाम है सर आपका? संजीव चतुर्वेदी। अच्छा, आज जो कार्यक्रम किया, किस उपलक्ष्य में किया गया है? भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा मुहूर्त के अवसर पर उत्सव पर गए। क्या कार्यक्रम का आयोजित किया गया है यहाँ पे? हमारे यहाँ बूंदी का वितरण किया जा रहा है इस समय। कहाँ पे, किस जगह? बिरला मंदिर। क्या क्या कार्यक्रम किया गया है? हाँ, रामायण, अखंड रामायण का कलित की गई, अखंड रामायण के बाद में फिर सुंदरकांड का पाठ हुआ, हवन हुआ, हवन करने के बाद में फिर हमने बूंदी का प्रसाद वितरण किया गया है और कोशिश है कि रामचंद्र के आदर्शों को लेकर के पूरे देश में और बल्कि पूरे विश्व में राम राज्य स्थापित हो। ये जब तक प्रभु इच्छा है शाम तक चलेगा, 6-7 बजे तक शाम तक चलेगा प्रभु के भंडार में बहुत सामग्री। उसके बाद जो है दीपदान भी होगा, दीपोत्सव रहेगा बिरला मंदिर में ही। सर क्या नाम आपका? मेरा नाम आलोक कुमार कुलश्रेष्ठ एडवोकेट है। आज हम श्री चित्रगुप्त वेलफेयर सोसाइटी मथुरा के संस्थापक और अध्यक्ष डॉक्टर नवीन कुलश्रेष्ठ ने एक कार्यक्रम रखा है यहाँ पर। उनका व्यक्तित्व समाज के लिए कुछ करने का है, वो हमेशा समाज की बातें करते हैं, समाज के लिए कुछ ना कुछ करने की उनकी इच्छा रहती है। इसी श्रृंखला में भगवान श्री राम जो आज अयोध्या में विराज रहे हैं, उस उपलक्ष्य में उन्होंने राम प्रसाद का आयोजन किया है और राम भक्ति में अन्य कार्यक्रम भी किए हैं। हम भगवान श्री राम के आदर्शों का पालन करते हुए अपने जीवन को धन्य और सफल बना सकते हैं, क्यों कि भगवान श्री राम हमारे जीवन का आधार है। श्री चित्रगुप्त वेलफेयर सोसाइटी हमेशा से, विगत 10 वर्षों से सामाजिक कार्यों को करती रही है। आज सोसाइटी के
ज़्यादातर पदाधिकारी मौजूद हैं और कुछ अभी आने बाकी हैं, और हम सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि राम राज्य की शुरुआत होने वाली है। इस